देश को कोरोना से बचाने के लिए बीते दो महीनों से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने राज्यों में कई रियायतें दी हैं। इस बीच कई राज्यों में शराब की दुकानें भी खुल गई हैं और राज्य सरकारों ने शराब के दामों में बढ़ोतरी भी की है। ऐसे में झारखंड में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और हेमंत सोरेन की सरकार शराब पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में शराब 25% तक महंगी हो सकती है। सरकार की मंशा है कि वो शराब पर कोरोना सरचार्ज लगाकर उसे MRP से ज्यादा कीमत पर बेचे, जिससे राज्य को ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। उत्पाद विभाग शराब के दाम बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे कोरोना सरचार्ज के नियमों को भी देख रहा है। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के मुताबिक शराब बिक्री पर लगाम लगाने के लिए सरकार एडिशनल टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। महंगी होने पर शराब लोग कम खरीदेंगे, इसके साथ ही सरकार को राजस्व भी मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच उत्पाद विभाग द्वारा शराब कारोबारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान शराब को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बेचने पर सहमति बनी है। बैठक में तय हुआ है कि ऑनलाइन बिक्री के लिए जोमैटो और स्विगी को पहले शराब मुहैया कराई जाएगी। दुकान पर आने वाले ग्राहकों से ज्यादा तवज्जो ऑनलाइन डिलीवरी वालों को दी जाएगी और इसे लेकर जल्द ही अधिसूचना भी जारी हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में फिलहाल शराब पर 50% वैट लिया जा रहा है। सरकार को शराब बिक्री से हर साल औसतन 2000 करोड़ की आय होती है। न्यूज़ डेस्क।